हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे वर्ल्ड हिंदी। मैं आपका दोस्त, मेरा नाम है चुटिया। अच्छो अच्छो भी खड़ी करता हूँ मैं खटिया। सबसे पहले मैं योगेंद्र सिंह को शाउट आउट देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें इतना बड़ा कमेंट लिख के भेजा है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। मैं इतना बड़ा कमेंट तो वीडियो में नहीं पढ़ सकता, पर मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे कि इन भाई ने बताया है कि इन भाई ने हमें दो पॉइंट बताए हैं। उसमें से सबसे पहला पॉइंट, जब शिनचैन स्पाई वाली मूवी लॉन्च हुई थी, उसके बाद विलन और दुल्हन वाली मूवी आई थी, तो शिनचैन स्पाई वाली मूवी के लास्ट सीन में कैसे इमोशनल हो गया लेमन का नाम सुन के। तब तक तो उसे पता भी नहीं था कि आखिर टामी को है कौन, जबकि स्पाई वाली मूवी पहले आ गई थी विलन और दुल्हन वाली मूवी से। तो इससे ये प्रूफ होता है कि लेमन टामी को नहीं है। की नाम बता देती हूँ शिनचैन, लेकिन ये सीक्रेट हम दोनों के बीच। तुम्हारा शुक्रिया शिनचैन। शिनचैन आ जाओ, शिनचैन बेटा चलो आओ। शिनचैन दूसरा पॉइंट, जब शिनचैन टामिको को बता रहा होता है कि मैं पहली बार मेरे मॉम से भी ज्यादा गुस्से वाले इंसान से मिला हूँ, तब टामिको बोलती है तुम मिट्टी नोहारा की बात कर रहे हो ना। तो शिनचैन बताता है तुम मेरे मॉम को कैसे जानते हो, तब टामिको बोलती है मैंने उनका फोटो देखा है। जबकि लेमन पहले उनसे बहुत बार मिल भी चुकी है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि लेमन टामिको नहीं है। वो शॉप पीछे निकल गई है। मैं पहली बार मॉम से भी ज्यादा खतरनाक इंसान से मिल रहा हूँ। अरे तुम मिट्टी नोहारा के बारे में बात कर रही हो ना। आप मेरी मॉम को जानती है? हाँ मैं जानती हूँ, मैंने उनका फोटो देखा है, वो बहुत अच्छी है। योगेंद्र सिंह जी, आप शायद मुझसे यही कहना चाहते हो अगर मैंने कुछ भी गलत बताया है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते। मेरे बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। ये वीडियो बनाते हुए पता नहीं बच्चे लोग कहाँ से आ जाते, तो सीधा पॉइंट पे आते। इन भाई ने जो दो पॉइंट बताए जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइंट है, जो पहली बार मैं भी सुन के थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया था। तो सबसे पहला मैं पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूँ। इन्होंने सबसे पहले पूछा था शिनचैन स्पाई वाली मूवी तो पहले आई थी और विलन वाली मूवी बाद में, तो शिनचैन को स्पाई वाली मूवी में लास्ट सीन में कैसे इमोशनल हो गया शिनचैन। तो मैं यही क्लियर कर रहा हूँ, जब शिनचैन स्पाई वाली मूवी का टाइमलाइन और विलन और दुल्हन वाले मूवी का टाइमलाइन दोनों अलग अलग है। मूवी पहले लॉन्च हुई थी शिनचैन स्पाई वाली, और उसका टाइमलाइन विलन और दुल्हन वाली मूवी से पीछे का है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ सक रहे हो ना। विलन और दुल्हन वाली मूवी जो कि हो चुकी है, उसके बाद के टाइमलाइन में शिनचैन की स्पाई वाली मूवी का इवेंट हुआ था, और शिनचैन स्पाई वाली मूवी को पहले लॉन्च किया गया था, उसके बाद विलन और दुल्हन वाली मूवी को लॉन्च किया गया था। आई होप आप समझ सकते हो। मैं आपको टीवी स्क्रीन में एनिमेशन करके भी दिखा रहा हूँ, अगर नहीं समझे तो मुझे कमेंट में जरूर बताए, और आप सब मुझसे सवाल पूछ सकते हो, मैं सबका जवाब दूंगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट में इन भाई ने पूछा है कि जब टामिको और शिनचैन एलिवेटर से जा रहे थे, तो शिनचैन ने टामिको को बताया था कि मैं पहली बार मेरे मॉम से भी ज्यादा गुस्सेल इंसान से मिल रहा हूँ। तभी ही ठीक टामिको ने बताया तुम मिट्सी नोहारा की बात कर रहे हो ना। तो शिनचैन पूछता है क्या तुम मेरे मॉम को जानते हो, तो टामिको बोलती है मैंने उनका फोटो देखा है। लेमन तो शिनचैन के मॉम से काफी बार मिल भी चुकी है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि लेमन टामिको नहीं है। पर मैं बताना चाहूंगा, जब लेमन शिनचैन की मॉम से मिली थी तब लेमन थी 7 साल की, अब वो एक शादी की उम्र की लड़की हो चुकी है टामिको। शायद उसे याद ना हो कि मैं शिनचैन की मॉम से मिल चुकी हूँ, और जब लेमन मिली थी शिनचैन के मॉम से तब वो एक मिशन पर थी, तब वो शिनचैन को अच्छे से जानती भी नहीं थी। जब लेमन शिनचैन की मॉम से मिली थी शायद वो सब भूल गई हो टामिको, जिस वजह से उसने बोल दिया कि मैंने उनको फोटो में देखा है। तो मैंने योगेंद्र सिंह के दोनों सवालों को एक्सप्लेन कर दिया है, मगर आपने जो दो पॉइंट नोटिस किया है वो काफी बढ़िया पॉइंट थे। ये पॉइंट देखने के बाद मैं भी सोच में पड़ गया था,
और अब तक ऑफिशियल्स वालों ने कुछ बताया नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। ये तो सिर्फ मेरी थियरी है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ वीडियो में। ऐसा भी हो सकता है कि लेमन टामिको ना हो या फिर लेमन ही टामिको हो, ये तो अब तक ऑफिशियल्स ने क्लियर नहीं किया। तो आपको जो मानना है आप वो मान सकते हो, ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन था। अगर एनिमे से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है, मैं सबको कह रहा हूँ जो भी व्यूअर्स है मेरे, आपके पास अगर एनिमे से रिलेटेड सवाल है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। मैं तुमको शाउट आउट भी दूंगा और वीडियो के थ्रू जवाब भी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करना जरूर मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।